आपके लिए लेके आए हैं एमआई की सीरीज के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो लोग इसको वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। बेसिकली हम लास्ट फोर फाइव ईयर्स के जितने भी वेरियस एग्जाम्स हैं, गेट, ESE, PSUs और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स, वहां से जो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपको लेके आते हैं। एम ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स आता है तो आप मेरे साथ 5-10 मिनट स्पेंड करें, वीडियो देखें और जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ उसमें आप रिस्पॉन्ड करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। टॉपिक का नाम जो आज हम लेके आए हैं वो है रैंकिंग अरेंजमेंट्स। बहुत ही अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, काफी लोग इसे बहुत क्विकली कर लेते हैं। तो आइए आपका मैं टेस्ट लेने वाला हूँ 5 डिफरेंट टॉपिक्स के, आई मीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 सेज A ranks 4th in the class, B ranked 9th from the last. B जो है 9वीं पोजीशन पर है लास्ट से. If C is 9th after A and is just in the middle of A and B, and then उस केस में कितने स्टूडेंट्स होंगे टोटल क्लास के अंदर? तो आप देख सकते हैं A rank 4th in the class. तो अगर आप इस स्टोरी को लेते हैं कि A rank 4th in the class, तो पहली पोजीशन जो है 1, 2, 3 के बाद फोर्थ पोजीशन पर बेसिकली ए है और बी जो है 9th है फ्रॉम द लास्ट। तो बी जहां भी है वो बेसिकली वहां से 9th है। तो यहां पर 8 लोग होंगे और ये बी होगा। और इसके बाद कहा जाता है इफ सी इज 9th आफ्टर ए, तो मतलब इस ए के बाद 8 लोग और होंगे तब यहां सी आएगा। और ये जो है मिडिल में है ए और बी के, तो यहां पर भी 8 लोग होंगे। अगर आप इस पोजीशन में है, आप देख सकते हैं बी रैंक्स 9th फ्रॉम द लास्ट, तो अगर बी 9th लास्ट में है तो 8 लोग ऑलरेडी होंगे, तब जाके बी लास्ट में होगा। तो अगर आप देखेंगे कितने लोग हो गए यहाँ पर, 8+1 9+8 17+8, आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 and 1 26 and 1 27 और यहाँ पर थे 3। तो इस तरीके से हमारे पास आप देख सकते हैं 24+4 28 and 2 80, आपके पास 30 सारा का सारा जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं। इसी के साथ हम यहाँ का क्वेश्चन एंड करते हैं। आइए अब चलते हैं क्विकली क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं कि 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ हाउसेज जिनके हैं वो लोकेटेड हैं 2 रोज 2 रोज, एक तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 रोज हैं, ऐसी वाली कर लेते हैं, राइट। ये एक तरीके से एक रो है और एक दूसरी रो है, 3 हाउसेज ईच। बोथ हाउसेज जो हैं वो फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो ये भी ठीक है। D's house is diagonally opposite to C, तो D कहीं भी होगा, D का दूसरा साइड में होगा, diagonally opposite होता है तो obviously आजू बाजू वाले नेबर्स होते हैं उसके आमने सामने ही होगा क्रॉस में, तो D के सामने जो है वो C है, ये हमारे को दिया हुआ है। A's house is between F and C, तो that means C के बाजू में कोई भी होगा वो बेसिकली A है और A के बाजू में F है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ये 6 पोजिशन क्लियर हो गई है, ये 6 पोजीशंस में से D और C इस तरीके से है, A यहाँ पर है, F यहाँ पर आ गया है। साथ में दिया हुआ है B's house is at one of the corners, then whose house is basically given the options, तो आपको बेसिकली A के सामने का हाउस कौन सा है, तो बाकी कोई भी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो A के सामने जो आएगा वो बेसिकली D आएगा, तो हमारा आंसर D इज करेक्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप यू आर एबल टू क्रैक इट फास्टर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Let's see the question. 7 friends A B C D E F G are sitting in straight line facing north. तो सब लोग एक ही तरफ देख रहे हैं, तो उसमें कोई issue नहीं है. D is between A and B. तो D जो है, वो basically A और B के बीच में है, तो D कहीं भी होगा. वो A और B और B और A हो सकता है. तो हमारे को ये option अभी explore करना है कि D is sitting between A and B, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. C is immediately to the left of E, तो E के ठीक left में जो C है वो immediately left of E है, तो E के left में C, C और E combined हो गया है. D is between A and B, हमने frame किया हुआ है, कुछ और connect होगा तो हम करेंगे. F is at one of the corners, में underline कर दिया कि F को corner में ही रखना है. 2 persons are sitting between G and B, तो G और B कहीं भी आएंगे उनके बीच में 2 लोगों को बैठना है, ये हमें याद रखना है. C is टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के ठीक राइट में सी है, दैट मीन बी आपका यहाँ आ गया, तो ये 3 पोजिशन हमारी फ्रीज हो गई और बी और ए के बीच में डी को आना है. तो अगर आप देखोगे कि बी और ए के बीच में डी को आना है तो वो आगे तो बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर पहले डी आएगा और उसके पहले ए आएगा, तो ये वाली पोजिशन भी फ्रीज हो गई है.
और कुछ चीजें जो हमने अभी तक पेंडिंग की हैं, यस जी और बी के बीच में दो लोग आएंगे, तो जी और बी के बीच में दो लोग आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि बी यहाँ है, दो लोग हैं, तो यहाँ पर जी आ गया। और लास्ट में लिखा हुआ था कि एफ इज सिटिंग एडजेसेंट टू ए, तो एफ ए के बाजू में है, तो यहाँ पर आ गया। तो इस केस में हु इज सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, तो बेसिकली इसका आंसर तो वैसे ही पहले लाइन से हो गया था, इसका आंसर जो है वो ई हो गया है। इसी के साथ क्वेश्चन थ्री एंड करते हैं और आइए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे टाइम स्पीड का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। जो लोगों ने टाइम स्पीड क्लास में किया है उनको पता है ये रेस वाला क्वेश्चन है। रेस वाले क्वेश्चन के अंदर स्पीड जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर आप देखेंगे डिस्टेंस होता है, तो इस केस में एस इक्वल्स टू के डी होता है और स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है कॉन्स्टेंट। इस केस में जो भी रेशियो एस वन इज टू एस टू होगा स्पीड का, वही रेशियो बेसिकली डिस्टेंस का भी होता है। तो ये हमें थोड़ा याद रखना है, जो भी रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। इट सेज क्वेश्चन में इन 100 मीटर की रेस में ए बी को 25 मीटर से हरा दिया। तो एक 100 मीटर की रेस हुई है, उसी रेस में जितनी देर में अंकित है वो 100 मीटर चलता है, उतनी देर में ही वरुण जो है वो बेसिकली 75 मीटर चलता है। तो 25 मीटर से अंकुर ने वरुण को हरा दिया। तो व्हाट इज कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अगर ऐसा स्टोरी बन रहा है तो यहाँ पर स्पीड ऑफ अंकुर, स्पीड ऑफ वरुण यहाँ पर वही होगी जो डिस्टेंस ऑफ ए अंकुर और डिस्टेंस ऑफ वरुण का जो रेशियो है। तो अगर वो चलता है 100 तो वो चलता है 75। ये पहली कहानी से निकल के आया कि इनकी स्पीड का रेशियो आ गया 4:3। साथ में आप देख सकते हैं दूसरे वाले स्टोरी में वरुण कैन बीट अभिनव, एक अभिनव को मैं बी से डेडिकेट कर देता हूं, तो स्पीड ऑफ वरुण इज टू स्पीड ऑफ अभिनव, अभी कर देता हूं इसे, वो वही होगा जो डिस्टेंस ऑफ वरुण इज टू डिस्टेंस ऑफ अभिनव होगा, और वो उस केस में 4 मीटर से हराता है। मतलब जितनी देर में वरुण 100 चल रहा है उतनी देर में अभिनव जो है वो 96 चल पा रहा है। तो एक इक्वेशन मेरे को ये बन गया है और दूसरा वाला इक्वेशन ये बन गया है। तो इसको मैं कंबाइन करता हूं, आई जस्ट ट्राई टू पैच इट अप एंड सी कि इसको कंबाइंड रेशियो करना है तो ऑलराइट। तो अब स्टार्ट करते हैं कि अगर इनको कंबाइन करना है तो एक तरीके से हमारा जो रेशियो बन के आ रहा है वो स्पीड ऑफ, और आप देख सकते हैं अंकित इज टू स्पीड ऑफ वरुण इज टू स्पीड ऑफ अभी आ रहा है, ये वही रेशियो में होगा जो उनके डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है 4:3 और दूसरा रेशियो आ रहा है 100:96। अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो ये 25:24, ये रेशियो फाइनली बनता है 25:24। राइट, सो इनको कंबाइन करते हो अब देख सकते हो ये 100 आता है तो ये 75 आता है और तीसरा रेशियो आता है आपका 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो 72। तो इस केस में आप देख सकते हो जब अंकित चलता है 100 मीटर उस केस में अभिनव चलेगा 72 मीटर, तो वो कितने डिस्टेंस से उसको हरा देगा, 28 मीटर से हरा देगा। इसीलिए आपका जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। आई होप ये टाइम स्पीड के जिन लोगों ने क्वेश्चंस क्लास में किए हैं उनको सारे फंडे पता हैं, दे हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज व्हाई आई कीप टेलिंग पीपल दैट प्लीज अटेंड मेड इजी क्लासेस एंड गेट ऑल द शॉर्टकट्स फास्ट। ये सारे क्वेश्चंस जो बच्चे सॉल्व करते हैं वो 10 से 15 सेकंड में करते हैं, उनके पास और बहुत सारी टेक्निक क्लास में सिखाई जाती हैं, यहाँ पर वो उससे कम टाइम के अंदर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन लास्ट है आज का, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट मी सी कितना जल्दी आप उसे रिस्पॉन्ड करते हो। आई होप यू आर रेडी, so let us take the last question for the day. B is twice as old as A, अभी ranking का proper question है, B is twice as old as A but twice younger than F. तो अगर आप देख सकते हो B की जो age है वो twice of A है but twice younger than F, तो F की age जो है 2B हो गई है। C is half of the age of A, तो basically A जो है वो 2C के बराबर है, बट इज सी इज ट्वाइस ओल्डर देन डी, तो डी जो है बेसिकली सी जो है वो 2D के बराबर है। तो इसको मैं कंबाइन कर दे रहा हूँ,
आपके पास चारों स्टोरी पड़ी हुई है, इससे नेचुरली हम कह सकते हैं देखने के बाद कि अगर b इक्वल्स टू 2a है तो बेसिकली b a से बड़ा है, अगर f इक्वल्स टू 2b है तो b से बड़ा f हो गया, अगर a इक्वल्स टू 2c है तो c से छोटा a से छोटा c हो गया, और c इक्वल्स टू 2d है तो c से छोटा क्या हो गया d। तो इस ऑर्डर के अंदर से सेकंड ओल्डेस्ट आएगा वो कौन आ गया, सेकंड ओल्डेस्ट आपका b आ गया। तो आपने देखा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रेटी इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। मेक श्योर दैट यू गाइस आप मेरे 5 क्वेश्चंस डेली हम लोग जब भी यूट्यूब पर डालते हैं वो उनको आप सॉल्व करो। मेड इजी प्राइम का यूट्यूब चैनल इज बेसिकली मेंट फॉर करंट अफेयर्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और आपके जीएस स्टडीज के लिए। प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दैट, लाइक द वीडियोज एंड गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर वी अपलोड दीज वीडियोज। हम लोग आपको रेगुलरली ये सब वीडियोज आपको लेके आते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। मेक श्योर दैट यू गाइज स्टे सेफ घर पे, प्रॉपरली डिसिप्लिन से अपना तैयारी करें और बहुत शांत मन से पूरा प्लान बना के प्रिपरेशन करें। इसी के साथ आज का एडिशन यहाँ पर एंड होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय।